हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की ओर से जांच कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। ईडी दफ्तर की ओर बढ़ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़पें देखी गई। कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कंधों पर उठाकर आगे बढ़ाया। भूपेश बघेल ने कहा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। दो महीने में मोदी सरकार, अब तो मोदी सरकार भी नहीं रहा, अब तो एनडीए सरकार है और चार बार यू टर्न मार चुके हैं। अभी यू टर्न मारा इसमें तो डायरेक्ट भर्ती कर रहे थे, लेटरल एंट्री, यूपीएससी में कोई परीक्षा दिलाने की जरूरत नहीं है, ये खाकी वाले को सीधा वहां पहुंचा देंगे। राहुल जी ने विरोध किया, विपक्षी दलों ने विरोध किया, 24 घंटा में उसको वापस करना पड़ा, 24 घंटे में। दूसरा, ये सब मीडिया के साथ ही आप बैठे हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए आज तो सोशल मीडिया बहुत चलता है, यूट्यूब में बहुत चलता है, पॉडकास्ट बहुत चल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए कानून ला रहे थे, ला रहे थे कि नहीं ला रहे थे? वैसे भी बहुत कंट्रोल करके रखे हैं, लेकिन और कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन विरोध को देखते हुए उस कानून को भी वापस लेना पड़ा है। तो चार चार मामले वापस हो चुके हैं। अब ये एनडीए की सरकार है, वो बैसाखियों में टिकी हुई है। आप देख रहे हैं कि पहले तो कहते थे नीतीश बाबू के डर से निर्णय बदलेंगे, नायडू के डर से निर्णय बदलेंगे, अरे वो तो छोड़ो, वो चिराग पासवान चमकाया तो उसमें बदल दिए बता रहे हैं। अब मोदी का 56 इंच सीना नहीं चल रहा है, रायपुर वाले वैसे भी जानते हैं, रायपुर वाले कितना बड़ा सीना है मोदी जी का सब जानते हैं। सत्तू भैया को मालूम है, होरा जी को मालूम है, जब एक आध परिसर में नेता प्रत्यक्ष चुनाव में आए थे तो बिजनौर ने कैसे दौड़ा दौड़ा के इतना दौड़ाया कि टेबल के नीचे घुस गया, सही बात है नहीं? स्कूटर में एयरपोर्ट गए थे मोदी जी, तो ब्रिजमोहन जी को इतना से बदला लिए हैं, समझ लो, मंत्री था उसको इस्तीफा दिला के सांसद जाओ हम कुछ नहीं झुंझुना बना दिए, वो उस दिन का बदला है। और जब प्रधानमंत्री बन के आए तो क्या बोले, जो सुनने में आया ब्रिजमोहन जी के बोले, अभी AK-47 लेकर आया हूं ब्रिजमोहन जी, है ना? तो ऐसे मोदी जी अब 56 इंच की सीना काम नहीं कर रहा है, चार चार बार यूटर्न, दो महीने वो मार चुके हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अपना रवैया सुधार लें, ये भरोसा नहीं है कब आपको साथ छोड़ दे, ये एक नंबर दो नंबर कल आ रहे हैं सब, दो नंबर है ना, आ रहे हैं ना, तीन दिन रुकेंगे, ये स्थिति क्या, एक शब्द नहीं बोल पा रहे, चार चार बार यू टर्न मार लिए, एक शब्द नहीं। अब सही बात है, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहा थे, जब गाय ज्ञान हो जाते बुढ़िया हो जाते तो किन्नी तक संघर्ष हो जाते, किन्नी थाने चिपकिर थे, जब बुढ़िया हो जाते गाय है तो किन्नी तक छोड़ देते। मोदी जी अब तक कमजोर तो सरकार कमजोर हो चुके, तो लोग 75 के आसपास हो, कितने हो गए सत्तू भैया, चलिए हाँ, तो और चीज बता दे, 75 हो गए तो समझ रहे हो सब जन सम छोड़ जाते है ना, और तेकर सर में ईडी वालों में चिपके मत रहो, ये बात समझ लो, समय बदला, देर नहीं लगा है ना, और बहुत ज्यादा देर नहीं रहे तो शैलेश जी आ गए है ना, अपन उपस्थिति दर्ज करा रहे,
मैं देख रहे हूं तो बहुत ज्यादा होना करते हुए आपसे कहना चाहता कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, नियम के हिसाब से चलना चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। हम सब साथ देवर तैयार हैं, लेकिन ये डरा के धमका के चमका के करवे तो समय बदलब देर नहीं लगे, सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के कमेटी बना के ये ईडी सीबीआई डीआरआई जब तक जांच करा देते कर मन के जांच करवा रहा है, करवाना नहीं करवा रहे हैं तब तक भी कौन बचा रहा है ये मतलब, ये मतलब समझ ले। बहुत ज्यादा होना करते हुए आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस।